हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने एक न्यू ड्राइंग शीट खरीदी है A4 साइज की, और इसका मैं रिव्यू डालने जा रहा हूँ। और इसका इसके साथ मेरा कोई खास एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैंने पहले इसको कभी यूज नहीं किया है, बट ये मेरा पहला टाइम है कि मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑनलाइन काफी इसके रिव्यू के बारे में पढ़ा, तो काफी अच्छे रिव्यू थे इसके। बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे ये ड्रॉइंग पेपर कैसा लगा। और ये आप ऑनलाइन खरीद भी सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये सीट वैसे कई बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज करते हैं, तो आइए मैं इसको दिखाता हूं। और ये जो आप पेंसिल लेड अलग से देख रहे हैं, ये टोम्बो मोनो का मैकेनिकल पेंसिल लेड है, 2B का, 0.5 mm का। मैं इसके बारे में भी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये जो पेपर है वो आर्टो का है, और मैंने इस रिसेंटली अभी एक कमीशन वर्क इसके ऊपर बनाया है, तो मैं आपको अभी वो ड्राइंग दिखाऊंगा आपको जो मैंने अभी इसके ऊपर बनाया है। तो मैंने ये वाली ड्राइंग अभी रिसेंटली बनाई थी, जो मैंने की इसी आर्टो के A4 साइज पेपर पर बनाया है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये पेपर, इसके ऊपर ये जो शेडिंग वर्क है तो ये काफ़ी अच्छा हुआ है, और ये हेयर्स वगैरह जो मैंने ड्रॉ किया ये भी काफ़ी सही से ड्रॉ हुआ है इसके ऊपर। और इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा रफ सा है, तो इसके ऊपर शेडिंग करना काफ़ी अच्छा है, आप इसके ऊपर शेडिंग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ये पेपर ख़रीद सकते हैं, बहुत सही है ये पेपर। तो अगर आपको सीट खरीदनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप सीट को खरीद सकते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है इसके साथ, इस पे काफी अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, स्केचिंग काफी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो। सो थैंक यू गाइस।